Hey, good morning to all. This is Mr. Anand Kumar and I welcome you all in my YouTube channel. Namaskar vidyarthiyo, main hu Anand Kumar aur swagat hai aapka aapke pyare Raj Dulare ESM ke study channel par. So dear students, aaj hum log class 8 ke English literature ke bare mein janenge. Class 8 ke English literature ka ek poem hai jo ki liya gaya hai The Book The English Bullet se. Is poem ka jo title hai wo hai Sip the Nectar. रॉबर्ट फ्रांसिस के द्वारा लिखा गया है इस पोएम को सॉरी फ्रांसिस रॉबर्ट के द्वारा इस पोएम को लिखा गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम में हम लोग को बताया ये गया है कि आजकल बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं, बहुत सारे प्राणी जीव जीवात्मा है ना, बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो आगे के कदम को दैट इज मीन देयर आर एपेटाइट्स human appetites are there lots of appetites are there one of them are risk appetite. ठीक है, बहुत सारे लोगों को रिस्क लेने का अपेटाइट होता है, मतलब उसका जज्बा जुनून होता है. बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम रिस्क लेकर के आगे बढ़े, रिस्क लेने के बाद सफल हो जाएंगे. ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता वो दुनिया रचने का साहस नहीं रख सकता है ना, वो दुनिया नहीं रच सकता है. तो रिस्क लेने का अपेटाइट होना चाहिए लोगों में. तो ये जो पोएम है टाइटल सिप द नेक्टर, एक्चुअली इस पोएम में एक बटरफ्लाई है और एक कैटरपिलर है, उन दोनों के बीच में बातें चल रही होती है और वे दोनों बात करते करते ही वे दोनों टॉकिंग्स करते करते ही हमें एक बहुत बड़ा मींस देकर जाते हैं. समझेंगे किस तरह से. सो जो चैप्टर है उसका मैं फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा, इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट करूंगा. कोशिश करूंगा कि इस पोएम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जहां तक मैं एनालाइज कर पाऊं उसका सारा एनालिसिस आप लोगों को देता रहूंगा. तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर आप पुराने हो तो जानते हो कि वीडियो पसंद आएगा ही आएगा तो लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करना मत भूलना भैया. ठीक है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है. आपको देखोगे कि नीचे में एक लाल बटन कहीं पर आ रहा होगा, इस साइड में या इस साइड में कहीं पर एक लाल बटन आ रहा होगा, उस लाल बटन को प्रेस करना और प्रेस करने के बाद बेल आइकन बना हुआ होगा, वहां पर एक छोटा सा घंटी होगा. मंदिर में जाते हो तो घंटा बजा कर इन करते हो, यहाँ पर आए हो तो घंटी बजा कर इन कर लो भाई. ठीक है, ये भी शिक्षा की मंदिर है, सरस्वती की मंदिर है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सो पोएम का फर्स्ट तीन स्टेंजा में ये पूरा का पूरा पोएम है. फर्स्ट स्टेंजा यहां पर ये है, आई होप यू लाइक माई बॉर्डर्ड रिंग्स, आई होप यू लाइक माई बॉर्डर्ड रिंग्स, दे आर जस्ट द वेरी लेटेस्ट थिंग्स, सेड द बटरफ्लाई इन ग्ली एंड सी माई टंग सो लॉन्ग एंड कर्ल्ड, द फाइनेस्ट थिंग इन ऑल द वर्ल्ड, अ ट्रीट फॉर यू टू सी. अगेन आई हैव टू से आई होप यू लाइक माई बॉर्डर्ड रिंग्स. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इस पूरे स्टेंजा का राइमिंग स्कीम बता दूं. यहां पर आप देख सकते हो लास्ट वर्ड्स जो भी है, रिंग्स थिंग्स ग्ली कर्ड वर्ल्ड सी, तो इसका राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए ए बी सी सी बी. एज फॉर द एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन आई हैव टू से दैट यहां पर रिंग्स और थिंग्स राइम कर रहे हैं, दैट इज वाई यहां पर हम लोग लिखेंगे ए ए. ग्ली और सी वो दोनों राइम कर रहे हैं, दैट इज वाई हम लोग यहां पर लिखेंगे ग्ली के पास बी एंड सी के पास बी एंड द थर्ड वन कर्ल्ड वर्ल्ड सी सी. ओके, ए ए बी सी सी बी, तो ये इसके राइमिंग स्कीम हो जाते हैं. अब मैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग को दे दूं. आई होप यू लाइक माय पाउडर ड्रिंक्स, एक्चुअली एक तितली है जो कि किसी से बातें कर रही है. किससे बातें कर रही है? कैटरपिलर से बातें कर रही है. ठीक है, और उसे बातें करते हुए क्या बोलती है? आई होप, मुझे आशा है, मैं आशा करती हूं, है ना. आई होप यू लाइक माई पाउडर ड्रिंक्स. आप ऊपर इमेज में देख रहे होगे, मेरे ऊपर एक इमेज आ रहा है, उस इमेज में एक तितली है. तितली के ऊपर आप देख रहे होगे कि गोल गोल रिंग बना हुआ है ना. बहुत सारे तितलियां होती है जिसमें ढेर सारा रिंग्स होता है, बहुत सारे तितलियां होती है जिसमें एक दो रिंग चार रिंग पांच रिंग ऐसे तरह से होता है, तो ढेर सारा रिंग गोल गोल रिंग बना हुआ होता है, तो इसे ही बोलते हैं पाउडर रिंग्स, है ना, गोलेदार छल्ले. तो क्या कहते हैं? आई होप यू लाइक माई बॉर्डर्ड रिंग्स, दे आर जस्ट द वेरी लेटेस्ट थिंग्स. देखो तो एक तितली है जो अपने ब्यूटी के ऊपर, जो अपनी सुंदरता के ऊपर इतरा रही है,
है ना, अगर किसी के पास सुंदरता हो तो वैसे भी वे लोग इतराते हैं इतराते हैं। तो यहाँ पर क्या जा रहा है, दे आर जस्ट द वेरी लेटेस्ट थिंग्स। अरे देखो तो मेरे छल्लों को, देखो तो मेरे पंख के ऊपर बने बने इन गोलदार धारियों को, आप देख सकते हो ना, देखो तो उन गोलदार धारियों को। और इस धारी को देखने के बाद ये क्या कहती है, दे आर जस्ट द वेरी लेटेस्ट थिंग, नो वन ऑफ एनी वन, कह सकते हैं कि नो वन हैज सीन दिस रिंग्स येट, अभी तक किसी ने इस रिंग्स को नहीं देखा है, ये इतना ज्यादा नया है, ये इतना ज्यादा लेटेस्ट है, बहुत लेटेस्ट थिंग है मेरे पंख के ऊपर, मेरे छल्लों के ऊपर। और तुम तो बहुत पुराने मॉडल के लगते हो, एक्चुअली कैटरपिलर के पास पंख नहीं होते हैं, दैट इज वाई ये उसे क्रिटिसाइज कर रही है, उसकी आलोचना कर रही है कि देखो तुम्हारे पास पंख नहीं है और मेरे पास पंख है, मेरे पंख में बहुत सारे गोल 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 छल्ले बने हुए हैं, ये बहुत ही लेटेस्ट देखने में लगते हैं। सेड द बटरफ्लाई इन ग्ली, यहाँ ग्ली का मतलब होता है बहुत ही खुश होकर बोलना, है ना, बहुत ही इतराते हुए बोलना। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है और इतरा कर बोलता है तो कुछ इसी तरह का टोन निकलता है। सेड द बटरफ्लाई इन ग्ली, बटरफ्लाई बहुत ही खुशी में कहता है, एंड सी माई टंग सो लॉन्ग एंड कर्ल्ड। एक्चुअली टंग, एज वी ऑल नो दैट द बटरफ्लाई डोंट हैव एनी टंग, बटरफ्लाई के पास टंग नहीं होता है, जीव नहीं होता है ना, उनके पास एक सूंड होता है। सूंड से वे लोग क्या करते हैं कि पत्तों में या फूल में, है ना, अपने सूंड को अपने ट्रंक को अंदर डालते हैं और उसके बाद उसके जो नेक्टर होते हैं उसे सिप कर लेते हैं, टान लेते हैं, है ना, खींच लेते हैं। सो वी हैव टू से दैट एंड सी माई टंग सो लॉन्ग एंड कर्ल्ड। तो यहाँ पर टंग का मीन्स ये नहीं समझना कि तितली का जीभ, तितली का ये जो गोल 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 आप देखोगे कि नाक से गोल 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 निकलता है ना, तो उसी को कहा जाता है उसका टंग, ठीक है। एक्चुअली द ट्रंक ऑफ बटरफ्लाई सीम्स टू बी द टंग ऑफ अ बटरफ्लाई। सो एंड सी माई टंग, मेरे जीभ को देखो, एंड सी माई टंग सो लॉन्ग एंड कर्ल्ड, बहुत लंबे हैं और मुड़े हुए हैं, इतना लंबा है और ये क्या हुआ है, मुड़े हुए हैं, ओके कर्ल्ड द फाइनेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मेरी समझ से मैं ही आशा करती हूं कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा फाइनेस्ट थिंग है। वैसे भी दोस्तों अपने आप के ऊपर सारे लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा होता है, वे लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा ऊपर समझते हैं, ये अपने आप को यही मानते हैं कि आई एम द सुपर हु इज सबसे ऊपर, क्या बोलते हैं, आई एम द सुपर हु इज सबसे ऊपर। तो यहां पर तितली भी यही कह रही है, द फाइनेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड अ ट्रीट फॉर यू टू सी। देखो तुम्हें जो तुम मुझे देख रहे हो ना, मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार तितली किसे करे, कैटरपिलर से, कि मेरे हिसाब से अगर तुम मुझे देख रहे हो तो ये तुम्हारे लिए, ये क्या है, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि तुम एक तितली को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो। पुअर कैटरपिलर, यहां पर से सेकेंड स्टेंजा स्टार्ट होता है, अगेन आई हैव टू से द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, सिप लिप थ्रू हेड सेड यू, दैट इज मीन्ट ए ए बी सी सी बी, ओके। सो अगेन सेकेंड स्टेंजा में क्या कहता है, पुअर कैटरपिलर यू कांट सिप, अरे तुम गरीब कैटरपिलर, तुम कमजोर कैटरपिलर, तुम पुराने कैटरपिलर, तुम जो भी उसके बारे में क्रिटिसाइजिंग वर्ड्स आ सकता है वो वर्ड्स को ले लो, ओ कैटरपिलर यू कांट सिप, तुम नेक्टर को सिप नहीं कर सकते। वो फूलों में से होता है ना, एक फूल है और तितली वहां पर गई, अपने नेक्टर दैट इज मीन वहां के नेक्टर को सिप कर ली, टान ली, तो टानने को ही सिप करते हैं, ओके ओके। यू कांट सिप द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स लिप, तुम्हें वो सौभाग्य ही नहीं मिल सकता है जिससे तुम अपने लिप्स से, अपने दैट इज मीन अपने जीभ से फूलों के लिप्स को छू सको और उसके लिप्स से उसके पराग कण को, उसके नेक्टर्स को तुम निकाल के आनंद पा सको, खुश की अनुभूति कर, खुशी की अनुभूति कर सको। Not fly the summer through, तुम तो गर्मियों में उड़ भी नहीं सकती हो, तुम तो इधर उधर उड़ भी नहीं सकती हो। The caterpillar raised his head, अब caterpillar थोड़ा गुस्सा हो जाता है, वो अपना सर उठाता है। अब caterpillar क्या करता है, गुस्सा हो जाता है, अपना थोड़ा सर ऊपर करता है। The caterpillar raised his head, don't pity me, मेरे ऊपर निशाना मत साधो, मुझे क्रिटिसाइज मत करो, मेरी आलोचना मत करो, मेरी बुराई मत करो। He rudely said, वह थोड़ा गुस्से में आकर बोलता कि मेरी बुराई मत करो। I am better off than you, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं।
ये बटरफ्लाई जो कैटरपिलर है बटरफ्लाई से क्या कहता है, आई एम बेटर ऑफ देन यू, मैं तुमसे ज्यादा खुश हूं, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं। यहां से तीसरा स्टेंजा अब स्टार्ट होगा। ओके अब तीसरे स्टेंजा का भी राइमिंग स्कीम क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखकर सेंड करोगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा सेकंड स्टेंजा समझ में आया तो राइमिंग स्कीम थर्ड स्टेंजा का आप लोग लिखकर सेंड करोगे। आई ईट ऑल डे आई सिट एंड स्टेयर, आई ईट ऑल डे आई सिट एंड स्टेयर, मैं दिन भर खाता रहता हूं, मैं दिन भर, देखते हो ना कैटरपिलर को कि पत्तों के ऊपर, आप ऊपर वीडियोस में देख रहे होगे कि कैटरपिलर क्या कर रहा है, पत्तों के ऊपर बैठा हुआ है और खाए जा रहा है, पत्तों को खाया जा रहा है। सो क्या कहते हैं, आई ईट ऑल डे आई सिट एंड स्टेयर नाउ, ओके सॉरी, आई वॉन्ट नो फ्लाइंग थ्रू द एयर, मुझे मैं खाना मुझे पसंद है, मैं दिन भर खाता हूं, इधर बैठे रहता हूं एक जगह पर और लोगों को आते जाते चीजों को देखता रहता हूं, स्टेयर करता रहता हूं। आई वॉन्ट नो फ्लाइंग थ्रू द एयर, मुझे हवा में उड़ने की कोई भी चाहत, कोई भी जद्दोजहद मुझे नहीं करनी है, मुझे थोड़ी भी अभिलाषा नहीं है। द कैटरपिलर एक्चुअली डोंट वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई, कैटरपिलर उड़ना ही नहीं चाह रही है। ओके, आई लाइक टू क्रिप एंड क्रॉल, कैटरपिलर को क्या पसंद है, कैटरपिलर क्या कहते हैं, आई लाइक टू क्रिप एंड क्रॉल, मुझे जमीन के ऊपर घिसकना पसंद है, मुझे क्रॉल करना पसंद है, मुझे सरकना पसंद है, तो मैं उड़ू क्यों, मुझे उड़ने से मतलब ही क्या है। ए बटरफ्लाई आई हेट टू बी, मैं बटरफ्लाई बनने में हेट करता हूं, मैं मुझे नहीं बनना है बटरफ्लाई, कौन कर रहा है, कैटरपिलर कर रहा है कि मुझे नहीं बनना है बटरफ्लाई, नहीं बनना है मुझे आगे, नहीं बनना मुझे बटरफ्लाई, मुझे नफरत है इससे। इट्स बीस्ट टू बी अ गर्ब लाइक मी, अरे मेरे तरह बनो, मेरे तरह होकर के देखो, इट्स बेस्ट टू बी अ गर्ब लाइक मी, इट्स माई मिस्टेक, इट्स बेस्ट टू बी अ गर्ब लाइक मी, मेरे तरह जमीन के ऊपर पत्तों के ऊपर इस तरह से बैठ करके देखो कितना मजा आता है, तुम क्या जानो, मुझे तो बड़ा मजा आता है। ए कैटरपिलर अ स्मॉल, एक छोटा सा कैटरपिलर बन के देखो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो तीन स्टेंजा का पोएम था आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना इस पोएम को, इससे आप लोगों को शायद ये समझ में आया होगा कि एक कैटरपिलर जो है बहुत ही अच्छा हो और बटरफ्लाई अपने जीवन में अच्छा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को एक बात और समझ में आएगी कि इसमें क्रिटिसाइज किया गया है। एक्चुअली यहाँ पर क्रिटिसाइज को अगर एक साइड में एक अलग किनार में रखा जाए, किनारे कर दिया जाए, तो एक्चुअली यहाँ पर जो बटरफ्लाई है वो कैटरपिलर को फोर्स कर रही है, उसे मोटिवेट कर रही है कि तुम उठो, जागो, अपने लक्ष्य प्राप्ति तक दौड़ते रहो, जब तक तुम तितली नहीं बनोगे तब तक तुम उस सफलता को देखोगे कैसे। आप लोग को अगर कोई बोल दे कि तुम ये बनो, तुम वो बनो, इसकी सफलता यहां तक होती है, आज तक इससे अच्छा कुछ है नहीं, डॉक्टर्स बन जाओगे कितना मजा आने वाला है, इंजीनियर बन जाओगे कितना मजा आने वाला है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ने की चाह नहीं रखते हैं, उनमें आगे बढ़ने की चाह थोड़ी ही नहीं होती, वैसे हम कैटरपिलर की तरह हैं। बच्चों मैं बोलूंगा कि आप लोग कैटरपिलर की तरह मत बनना कि एक जगह पर बैठे रहो और आगे बढ़ने से डर लगता रहे, वहीं पर बैठ के खाया, वहीं पर बैठ के पकाया, वहीं पर बैठ के खाया पिया और वहीं पर रह गए जिंदगी भर, वहीं आपका अपना जिंदगी खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल ही मत करना। डोंट बी लाइक द कैटरपिलर, इफ यू वॉन्ट टू सक्सेस इन योर लाइफ यू मस्ट बी लाइक द बटरफ्लाई, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो बटरफ्लाई की तरह बनना पड़ेगा, अपने शरीर में कुछ सुंदरता कुछ निखार लानी पड़ेगी, तभी तो आप सक्सेस के जो फ्लावर है उस सक्सेस के फ्लावर में अपने जो हार्डवर्क है उस हार्डवर्क के ट्रंक को, उस हार्डवर्क के टंग को डालकर उसके लिप्स से उसके नेक्टर, दैट इज मीन सक्सेस रूपी नेक्टर को आप निकाल सकते हो, योर ड्रीम, अपना ड्रीम को वहां से निकाल सकते हो। एक्चुअली यहां पर फ्लावर का मीन्स क्या है, यहां पर फ्लावर डिनोट करा गया है सक्सेस से, और एक्चुअली वहां पर जो नेक्टर है वो नेक्टर को डिनोट करा गया है आपके स्ट्रीम से, आपके ड्रीम्स से, फ्लावर के लिप्स, दैट इज मीन सक्सेस तक अगर आपको पहुंचना है, अपने ड्रीम्स को अगर आप लोग को पाना है, तो वहां पर आप लोग को हार्डवर्क लगाना ही लगाना होगा, और उस हार्डवर्क में आपको करना क्या होगा, हार्डवर्क करिए, अपने शरीर को निखारिए, अपने अंतरात्मा को निखारिए, अपने माइंड को निखारिए, अपने पूरे नॉलेज को निखारिए, और जितना ज्यादा आप अपने आप को निखारोगे उतना ही ज्यादा आप सफल बनते चले जाओगे।
सो आई ईट ऑल डे सिट एंड स्टे. तितली कहती है कि कैटरपिलर कहता है मैं बैठता हूँ, यहीं पर बैठता हूँ, यहीं पर खाता हूँ. मैं आप लोगों को कहूंगा कि एक ही जगह मत बैठो, एक ही जगह मत खाओ. आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है, तो तितली की तरह बनो. ये कविता उन लोगों को डेडिकेटेड है जो हमेशा अपने माइंड में वैसे लोग जो लोग नैरो माइंडेड है, वे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं सक्सेस नहीं कर पाता. तो नहीं, आप सक्सेस कर सकते हो. बस आप अभी एक कैटरपिलर हो, उस कैटरपिलर से बदलकर आपको बटरफ्लाई बनना पड़ेगा. और जिस दिन आप बटरफ्लाई बन गए, आपकी सुंदरता देखने के लिए दुनिया इंतजार करेगी. आपकी सुंदरता देखने के लिए दुनिया आपके पीछे भागेगी, आप किसी के पीछे भागोगे नहीं. आशा है वीडियो पसंद आया होगा. कंप्लीट मैंने एनालाइज कर दिया इस वीडियो में. कहीं कहीं पर पर्सोनिफिकेशन, कहीं कहीं पर मेटाफोर, कहीं कहीं पर बहुत सारे फिगरेटिव डिवाइसेस यूज करे गए हैं. तो अगर इसका अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट पास आउट करते रहें. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को और भी पुराना वाला वीडियोस का नोट मिलता चला जाएगा, लिंक मिलता चला जाएगा. वहां से क्लिक करके आप पुराने वीडियोस को भी देख सकते हो. और नए वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करो कि किस पॉइंट पर, किस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए, वहां पर मिलेगा. आज के लिए इतना ही, बाकी के अगले क्लास में. तब तक के लिए एंड करते हैं. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.